हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से मई महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट टू। गाइस, इसमें 35 क्वेश्चन है और लास्ट लास्ट वाले जो पार्ट में था उसमें 40 क्वेश्चन लिए। आपके 75 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के मई महीने के, ठीक है। चलो, ये इसमें 35 क्वेश्चन है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मोटिवेशन थॉट है। किसने लिखा है ये? मिस्टर खान ने। अगर ये लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें, ठीक है। जो आप करने जो आपकी प्रैक्टिस करने की स्ट्रेटजी होती है, मतलब प्रैक्टिस करते हो जिस तरीके से, उसे चेंज करो और मतलब एक दूसरे लेवल से फिर से चेंज करके देखो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं। गाइज, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा आपको। देखो, ज़्यादा डिटेल बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करेंट अफेयर्स का थोड़ा लेवल अलग है, आपको बस पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोरोना महामारी से आयुष कवच लॉन्च किया, तो आप अच्छे से जानते हैं मतलब आयुष कवच क्या होगा। एक ऐप होगा जिसके बारे में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही होगी, बस ये तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? हिमाचल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। नंबर टू देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? राकेश लोखंडवाला, आनंद प्रजापति, दिलीप उम्मेन या फिर सुरेंद्र सिंह? कौन ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिलीप उम्मेन, जो कि आपके इंडियन स्टील अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने? आपके दिलीप उम्मेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मई, 20 मई, 22 मई या फिर 18 मई? आतंकवाद विरोधी दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21 मई को। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? कौन सा चरण पादुका अभियान? इसमें वही है मतलब माइग्रेंट लेबर को क्या होगा, पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे हर वर्ष मनाया जाता है? 20 मई, 15 मई, 17 मई या फिर 22 मई? विश्व मधुमक्खी दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 20 मई को। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर रमेश पारीक, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर गीता रॉय? WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पांचवी बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की, चीन, जापान, रूस या फिर न्यूजीलैंड? सुपर अर्थ, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, 17 मई, 18 मई, 19 मई या फिर 15 मई? वर्ल्ड उच्च रक्तचाप मतलब जो होता है उच्च ब्लड प्रेशर जो हो जाता है उसके बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 17 मई को। एक दिवस और मनाया जाता है 17 मई को, कौन सा? विश्व दूर संचार दिवस, ठीक है, विश्व दूर संचार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात? हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है, पंजाब, हरियाणा, असम या फिर राजस्थान? हाल ही में सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष मनाया जाता है, 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर 15 मई? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 18 मई को, ठीक है, याद रखना कब मनाया जाता है, 18 मई को। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर वर्ष मनाया जाता है, 18 मई, 15 मई, 12 मई या फिर 10 मई? अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे, अरे गाइस एक मिनट देखो, वो अभी जो ऊपर वाला था क्वेश्चन था ना, वो आपका 16 मई है उसका राइट आंसर, मैं 18 समझ के 16 मई के लगा दिया आंसर, वो 18 मई आंसर लगा दिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 16 मई को, याद रखना। अच्छा ये क्वेश्चन चल रहा था अपना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 18 मई को। मई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने ले लिए, पहली वाली वीडियो में भी कुछ लिए थे और इस वाली वीडियो में भी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत आपको पता ही है किसानों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी,
मतलब उनकी खेती के बारे में बताना, उन्हें सही रेट देना, मतलब उनकी किसानी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? अभी ये क्वेश्चन भी था, और ये कौन मनाया जाता है 17 मई को? कौन सा उच्च रक्तचाप दिवस, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये तो 17 मई को मनाया जाता है, लेकिन कौन सा मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 51 बा जो है दूरसंचार दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 15 मई, 11 मई, 10 मई या फिर 13 मई? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 15 मई को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? अमेरिका, स्पेन, इटली या फिर रूस? ब्रेसलेट होता है ना जो कलाई पे बांधते, वो तो उस पे लिखा हुआ है आई फील यू। बड़ा अजीब ये चीज़ की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इटली ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? ठीक है, जांच हेतु कोरोना 1900, कोवास 6800, कोविड 2019 या हिम्मत 3200? तो भारत में जो कोविड-19 मरीजों का पता लगाने के लिए जांच हेतु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोबास 6800। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। देखो, इसी से जो है जांच की गई है भारत में, ठीक है, कोबास 6800। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां, 76वां, 79वां या फिर 98वां? जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 74वां। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निर्मला सिंह, एन प्रजापति, बी विद्यापति या फिर अंजलि गुप्ता? किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में? तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नासा ने हाल ही में बी फर्स्ट डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? एलन स्टोफन, नैन्सी ग्रेस रोमन, माइकल डी ग्रिफन या फिर जेम्स हिनसेन? डब्ल्यू फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाल ही में कौन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? आशा त्रिपाठी, नीलम खन्ना, राधिका विशाख या फिर सुमन गबनी?
यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुमन गवनी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? गीता श्रीवास्तव, अमीषा चतुर्वेदी, मीरा राव या फिर जहबी फूकन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जहबी फूकन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे हर वर्ष मनाया जाता है 25 मई, 20 मई, 26 मई या फिर 22 मई। विश्व थायराइड दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25 मई को। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, मतलब हर जगह हर राज्य जो है ना वो रोजगार योजना से रिलेटेड सारी योजनाएं लॉन्च करता रहता है, लेकिन अगर सच्चाई में जाएं तो आपको अच्छे से पता है, अगर जैसे कि किसी भी राज्य की बात करो, ये मतलब किसी भी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी राज्य की, ज़्यादातर साउथ वाले जितने भी एरिया हैं, साउथ वाले जितने भी स्टेट हैं ये अच्छे से काम करते हैं। साउथ में बहुत करप्शन कम है, अपना ये नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया यूपी हरियाणा मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन पाया जाता है, इस बात को आप अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, योजनाएँ लॉन्च होती हैं लेकिन कोई पता नहीं है, रोज़गार तो आपको अच्छे से पता ही है। एक जगह वो न्यूज़ थी, अब पता नहीं रियल थी या फेक थी पता नहीं, उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग थी कि 90 लाख यूपी में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से 90 लाख लोगों को रोज़गार मिल चुका है। मैंने कहा बताओ यार क्या क्या छप जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मणिपुर, कर्नाटक, असम या फिर मिजोरम। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला, अच्छा पहले इससे पहले आंसर बता दिया था उसका, मध्य प्रदेश था। ठीक है, क्या मतलब बताने के चक्कर में इसका राइट आंसर पता है क्या, मध्य प्रदेश था, नहीं बता दिया था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 27 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी मिजोरम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने MSMES क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इसमें उद्योग धंधे से रिलेटेड आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ गाइस। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मई, 26 मई, 24 मई या फिर 20 मई। विश्व कछुआ दिवस,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 23 मई को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस। बलबीर सिंह सीनियर, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सतीश जैन, आभास झा, अरुण सिंह या फिर कमल कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आवास झा को। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, 21 मई, 23 मई, 24 मई या फिर 20 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है, 0.25, 0.40, 0.55, 0.60। रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.40%। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अशोक चंद्र, राम गोपाल शर्मा, गोविंद राजलू चिंटला, वरुण कुमार बिश्नोई। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोविंद राजलू चिंटला। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, 22 मई, 20 मई, 18 मई या फिर 24 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 22 मई को। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। आइए, ये आपका क्या हो गया, करेंट अफेयर्स के पूरे 75 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। ज़्यादा मैंने इसके बारे में डिटेल नहीं बताई, देखो डिटेल तो आपको पता ही है, वैसे भी आपको डेली की PDF फाइल मिल जाती है ना करेंट अफेयर्स की, टेलीग्राम चैनल की परीक्षा गुरु करियर अकेडमी से, उससे आप पढ़ लेते हो। और फिर मतलब जब एक साथ करेंगे ना, तो मैं आपको इसके बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगी और ज़्यादा, तो मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपको बहुत बहुत जल्दी सारी क्लास एकदम रेगुलर चलेंगी, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, जो जो सब्जेक्ट आपका है वो इसमें चलेगा कोचिंग में, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन, ठीक, ओके।